हरदोई में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब बच्चा बस स्टैंड के पास से साइकिल से अपने घर जा रहा था। बस स्टैंड के पास ही ये हादसा हो गया। यहां बच्चा ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया। ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। वहीं बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बताते चले कि अभी बच्चे की पहचान नहीं हुई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।